कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से जब भी हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं, वहां पर हमेशा एक चीज देखते हैं, हम लोग रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, या तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ज्यादातर मैं कुछ प्रोडक्ट मंगाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है, क्योंकि मान के चलो अगर कुछ वो खराबी निकलता है तो उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। बट रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन फेस हुआ जिसमें रिटर्न तो मैंने किया बट मुझे वो सेल्फ रिटर्न करना पड़ा। ये क्या है? अब आप पूछोगे सेल्फ रिटर्न क्या है, तो आज इसी के बारे में पूरी वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के औसम वीडियो हमेशा मैं चैनल पे लाते रहता हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डी टू के कॉर्न में फ्रेश वीडियो। तो ये होता क्या, जेनरली हर प्रोडक्ट पैसा नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट आप रिटर्न करोगे तो आप देखोगे कि अमेजन जो कुरियर वाले आते हैं वही आके आपका प्रोडक्ट को घर से ले जाते हैं। बट कुछ कुछ गिने चुने प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि आपको खुद से जाके सेल्फ रिटर्न करना पड़ता है, कोई भी कुरियर कंपनी से करो या तो बाय पोस्ट करो आप। तो रिसेंटली मैंने एक ड्रोन परचेज किया था जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पर है, आप जाके चेकआउट कर लेना। काफी शानदार ड्रोन थी अंडर 5000 में, बट मुझे उसकी जो कैमरा क्वालिटी वगैरह है ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगी। उसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी नहीं दे रही थी, 5 मिनट के करीब बैटरी बैकअप थी। तो मैंने सोचा उसको रिटर्न कर दिया जाए, 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी। तो मैंने जैसे उसको रिटर्न किया अमेजन में, तो वहां पर मुझे क्या आई, अमेजन रिटर्न तो आ गया बट वहां पर लिखा आपको इसको सेल्फ रिटर्न करना पड़ेगा। वहां से 3 लेबल डाउनलोड करने का है, मतलब जहां पर भेजना उसका एड्रेस गया है, फिर उसके साथ एक QR कोड आई है जिसके साथ एक बार कोड भी आई थी। दोनों तीनों मिला के मुझे एक पैक करके फिर उसको कोरियर करवाना था। तो मैंने कभी कोरियर किया नहीं था आज तक, मुझे हो गई टेंशन कि इसको कैसे कोरियर करें, क्या पैसा रिफंड होगा भी या नहीं होगा। तो मैंने क्या कि हमारे यहां सामने एक DTDC का कोरियर है, उनके पास जाकर मैंने कंसल्ट किया। ऐसा बात, सबसे पहले मैंने अमेज़न कस्टमर केयर वाले को फोन किया। जी सर, मैं बोल रहा था मैंने रिसेंटली एक ड्रोन परचेज किया था जी, तो उसको मैं अभी रिटर्न कर रहा हूं, तो शिपमेंट मुझे खुद से करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो वहाँ पे सेलर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा पिकअप का, इस वजह से सेल्फ रिटर्न करना पड़ रहा है। तो इसके लिए ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे डिलीवरी कोई वाला आते हैं लेके जाते हैं उस टाइप का कुछ? नहीं सर, इसमें सेल्फ रिटर्न का ही ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, तो सेल्फ रिटर्न का प्रोसेस क्या होगा फिर इसका? सेल्फ रिटर्न का प्रोसेस ही होता है सर कि आपका जो है प्रोडक्ट वो आपको सेल्फ रिटर्न कराना है कोई से भी कोरियर टीम की तरफ से, ठीक है? और आप जब ये रिटर्न करवाएंगे, ठीक है, तो आपका जो भी चार्जेस वगैरह लेगा वो अमेजोन आपको वापस करेगा। मतलब आपके 200, 300, 400 रुपए जितने भी लगते हैं वो भी आपको वापस कर दिए जाएंगे संजय जी। और उसके अलावा आपका जो रिफंड रहेगा वो जब इनिशिएट हो जाएगा प्रोडक्ट पहुंचने के बाद में, आपको भी ट्रैकिंग दिखेगी जिस भी कोरियर के आप थ्रू करवाएंगे, तो उसके बाद में आपका जो रिफंड इनिशिएट होगा तब हम आपको जो है आपका ये वाला अमाउंट भी वापस कर देंगे। उन्होंने अच्छी खासी हेल्प की, मैं इसमें अपना जेन्युइन रिव्यू देना चाहूंगा, अच्छी खासी हेल्प की। उन्होंने अच्छी तरीके से बता दिया मुझे कि आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे लिए पहली बार था सेल्फ रिटर्न करना कोई भी प्रोडक्ट को। तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आप कोई भी कोरियर कंपनी जो भी आपके सामने कोरियर है उनके पास जाइए, उनको आपको कुछ पेमेंट पेड करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट की वेट रहती है उस हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ता है। पेमेंट देने के बाद क्या होगी, आपको वो प्रोडक्ट जो है वो भेज देगा, और जो पेमेंट आप खुद ने दिया प्रोडक्ट को भेजने के लिए वो पेमेंट आपके बाद में रिफंड हो जाएगी। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या कि अपना कोरियर वाले के पास गया, वहां से कॉन्टेक्ट किया, उनको सारे अपने ओपिनियन वगैरह बताया क्या क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको पैक कर दिया जो कि बॉक्स में आया था, पैक करके वो जो लेबल वगैरह चिपका कर मैंने उनको दे दिया, उसमें सारे एड्रेस वगैरह दे दिया। उसका बिल मेरे पास है, मैं आपको बिल शो करता हूं। देख पा रहे ये कुछ बिल था DTDC के कोरियर के थ्रू, इसमें सब कुछ लिखा हुआ कहां पर भेजना है नहीं भेजना, इसको प्राइस भी लिखा हुआ है। देख पा रहे 295 की मुझे ये पड़ी थी जो मैंने इसको भेजने का चार्ज है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नंबर भी आ जाती है, देख पर ये नंबर है, ट्रैकिंग नंबर है, इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँची है। तो प्रोडक्ट मैंने वहाँ पर दे दिया, उन्होंने कहा कि मुश्किल से 72 आवर्स लगती है DTDC का, कोई भी कुरियर आप कहीं भी भेजवाना चाहते हो तो 72 आवर्स लगती है। ये मुझे भेजवाना था, मैं आपको दिखा रहा हूँ एड्रेस, शायद एड्रेस आपने देख भी लिया होगा। ये मुझे भेजवाना था गुड़गांव, गुड़गांव तक जाना था प्रोडक्ट, जो कि मैं रहता हूँ सिंदरी में यानी धनबाद में, धनबाद से गुड़गांव तक जाना था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा प्रोडक्ट पहुँच जाएगी, तो हाँ 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट पहुँच गई उनके पास। बट मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर पे देखा कि प्रोडक्ट पहुँच गई है, बट फिर भी मेरा रिफंड वगैरह फिर भी इशू नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, कस्टमर केयर को वापस से फोन किया अमेजन वाले को, मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है, सेल्फ रिटर्न था, मैंने रिटर्न कर दिया, बट अभी तक पैसा जो है मेरा रिटर्न नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ प्रोडक्ट जो है आपके वेयर हाउस में आ चुकी है, हम लोग तुरंत आपको रिफंड जो इनिशिएट करते हैं। तो विद इन 5 या 10 मिनट्स के अंदर मेरे पास फुल्ली रिफंड हो चुकी थी, जितने पैसे लगे, जो पैसे मुझे लगे थे ड्रोन का वो पैसा रिफंड हो चुकी थी। साथ ही साथ जो मेरा कुरियर चार्ज लगा था वो कुरियर चार्ज भी अमेजन पे जो बैलेंस है वहां पर शो हो रही थी, मतलब अमेजन पे पे आ गई थी, बैंक अकाउंट पर नहीं आई थी, अमेजन पे पर आ चुकी थी। तो अच्छी खासी उसमें रिचार्ज वगैरह बिल पेमेंट वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो, तो काफी ज्यादा सही लगी मुझे। मुझे थोड़ा पहले डर भी लग रही थी बट उसके बाद काफी ज्यादा स्मूथली सारी कुछ प्रॉपर वर्क हो गई। ऐसे सिचुएशन बहुत बार फेस हो जाती है, फ्लिपकार्ट में तो ऐसा कभी फेस नहीं हुआ था बट अमेजन में ऐसा फेस हुआ। हो सकता है बहुत सारे सेलर है जिनके पास
पास अवेलेबल नहीं रहती है, जो भी उनका कोरियर वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप सेल्फ रिटर्न कर दो, हम लोग बाद में आपका सारा पैसा रिफंड कर देंगे। तो हाँ, रिफंड होती है। पहले मुझे भी लग रहा था कि रिफंड नहीं होगी, बट सारे कुछ पैसा रिफंड हो चुकी है। जो ओरिजिनल प्राइस लगी थी वो भी रिफंड हो चुकी है, साथ ही साथ जो कोरियर चार्ज थी वो भी रिटर्न हो चुकी है। मैंने बिल का सिर्फ उनको फोटो भेजा था, उन्होंने एक लिंक दिया था, उस लिंक पर मैंने बिल का, ये जो बिल मैंने आपको दिखाया, इस बिल का मैंने फोटो भेजा, उसमें उन्होंने देखा 295 का प्राइस है, फिर उन्होंने 295 मुझे रिटर्न कर दिया। तो अगर आप भी सेल्फ रिटर्न करना चाहते हो, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सिचुएशन फेस हो गया कि आपको प्रोडक्ट को सेल्फ रिटर्न करना है, तो कुछ आपको डरने वाली बात नहीं। आपके पास मेलिंग लेवल आती है, वो लोग मेल कर देते हैं, वो तीनों लेवल को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल लो, उसको आप चिपका कर सिंपली प्रोडक्ट को आप भेज दो। डीटीडीसी कुरियर के थ्रू भेजो, चाहे जो भी कुरियर आपके सामने उसके थ्रू आप भेज सकते हो, बाय पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हो। उसके बाद सारे पैसे जो आपके रिफंड हो जाती है। बाकी आपके कुछ भी कमेंट है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी आपकी क्यूरीज है, मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दे। अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन फेस हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्यूशन देने का। बाकी ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए क्या करना, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ जरूर जरूर वीडियो को शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ जितने भी अमेजन वगैरह यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कल दिन उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा घटना घटे, सेल्फ रिटर्न करना पड़े, तो उनको ये सारी चीज़ पता रहे पहले से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक दिन प्यार व्यार।